नमस्कार। बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा सिक्योरिटी सिस्टम के लिए और एमटीएस के लिए जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का आपने फॉर्म भरा है, तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कंप्लीट डिटेल के साथ कि पेपर में कितने पैटर्न्स होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कौन सी किताबें फॉलो करनी है। कंप्लीट सिलेक्शन के लिए मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस पे सारे नए फॉर्म्स की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और मैं एक एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ तो मैं अपनी लाइफ स्टाइल दिखाता रहता हूँ, तो आपको देख के मोटिवेशन भी मिलती रहेगी उससे, और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें तो थ्री टायर्स हैं, टायर वन, टायर टू एंड टायर थ्री। टायर वन जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे उसमें, 1 घंटे का पेपर होगा। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होगा, ठीक है। पेपर किस किस से होंगे, 20 क्वेश्चन करके 5 सेक्शन होंगे उसमें, जर्नल स्टडीज, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। सेकेंड टायर होगा आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आते हैं पैराग्राफ्स, 500 वर्ड्स के 2 पैराग्राफ्स होंगे, जो कि 50 नंबर का होगा ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम के लिए और 40 नंबर का होगा एमटीएस के लिए। उसमें होगा क्या, सबसे पहले होगा एक पैराग्राफ आपकी लोकल लैंग्वेज में, जो भी लोकल लैंग्वेज आपने ऑप्ट की होगी उस लोकल लैंग्वेज में एक पैराग्राफ होगा, उससे आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जो कि 20 नंबर का होगा। और एक इंग्लिश में पैराग्राफ होगा, उससे आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, वो भी 20 नंबर का होगा। 40 नंबर का एक पेपर होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर है, आपको बता दूँ, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि 50 नंबर का टायर थ्री, टायर सेकंड है, तो उसमें 10 नंबर क्या है, 10 नंबर है आपका स्पोकन टेस्ट। स्पोकन टेस्ट जो आपने लैंग्वेज डाल रखी है, क्या आपको सही में बोलने आती है, इसका टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन ये टेस्ट आपको इंटरव्यू के टाइम पे ही होगा, ठीक है, ये एमटीएस के लिए होगा, सिक्योरिटी असेसमेंट के लिए होगा और ये इंटरव्यू के टाइम पे होगा। थर्ड टायर है आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू है 50 मार्क्स का, ठीक है। तो आपका ये 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू है, उसी में वो 10 नंबर और ऐड होकर 60 नंबर का हो जाता है इंटरव्यू, स्पोकन वाला पार्ट को ऐड करके, ठीक है। जब इंटरव्यू की डेट आ जाएगी तो मैं आपको इंटरव्यू के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे इंटरव्यू को पास करना है। और ये था कंप्लीट पैटर्न। अब बात आती है कि तैयारी कहाँ से करें, ठीक है। बुक लिस्ट पूछना है, तो बुक लिस्ट क्या है, आपको जो भी बुक्स मिलती है कॉम्पिटिशन के लिए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के लिए, आर एस अग्रवाल की बहुत सारी किताबें आती हैं, सिंपल जो लोअर लेवल पे होती है, क्योंकि 10th एलिजिबल का ये गवर्नमेंट जॉब है आपको जो दे रहा है असिस्टेंट एमटीएस, तो ये कोई बहुत बड़ा तोपती एग्जाम नहीं है कि आप नहीं निकाल पाएंगे या बहुत कठिन सवाल आएंगे, बहुत ही मिनिमम, बहुत ही सरल सवाल आते हैं, आप आराम से इसको कर लेंगे। बस आपके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होने चाहिए क्लियर। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, आपको जो भी किताब मिलती है, क्विकर मैथ्स हो गया, आर एस अग्रवाल की मैथ हो गई, आर एस अग्रवाल की रीजनिंग हो गई, आर एस अग्रवाल की आपकी इंग्लिश हो गई, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, आप उसको ईजिली कर लीजिए। जनरल स्टडीज की बात करें तो जनरल स्टडीज का ही मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एक मनोहर पांडे जी की जो किताब आती है 25 रुपए वाली, उसको ले लीजिए, उससे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस सब कुछ पढ़ डालिए, वहाँ से आपका जनरल स्टडीज क्लियर हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस की बात आती है तो आपको करंट करना पड़ेगा, करंट आपको जानते हैं कि बहुत सारे चैनल्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप कहीं से भी करंट कर सकते हैं, जो भी डेली डेली का करंट कराता हो या महीने का करंट कराता हो या वीक का करंट कराता हो, स्पेशली रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, तो आप वहाँ से करंट कर सकते हैं, आप आराम से इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। वो क्लियर बता दिया मैंने आपको, पेपर पैटर्न बता दिया। अब लोग पूछ रहे थे कि सर 1 घंटे में 100 सवाल होगा कैसे, तो देखिए ये होना ही नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस करने के लिए आपको डेली या हर 2 दिन पे एक मॉक देना होगा, क्योंकि एग्जाम जल्दी ही होगा तो आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, तो आप जल्दी से जल्दी, अगर आपके पास टेस्ट बुक हो तो आप टेस्ट बुक पे दे सकते हैं, टेस्ट बुक पे सिक्योरिटी सेशन करके एक पूरा फोल्डर आएगा जिसमें 160 के आसपास टेस्ट मैंने देखा है, तो आप उसमें से डेली एक टेस्ट भी देते हो, डेली एक मॉक टेस्ट अटैम्प करते हो, बहुत ईजीली आप कर लोगे। और मॉक टेस्ट अटैम्प करिए, जो नहीं आ रहा है, जो गलत हो रहा है उसको, मॉक टेस्ट को रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, याद करिए चीज़ों को, 2 महीने के अंदर अंदर आप एग्जाम को ईजिली क्रैक कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। बाकी और भी कोई डाउट्स है तो आप डाउट को कमेंट कर दीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल CGL_KK आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्लिकर हो रहा होगा स्क्रीन पर, वहाँ पे आप आके मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है, और जो भी डाउट्स आएंगे मैं उन डाउट्स का एक वीडियो बना के आपको सारे डाउट्स एक साथ क्लियर कर दूंगा सबके, तो जितने डाउट्स हो सकते हैं आपके सारे लोग उसमें पूछिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, थैंक यू, जय हिंद।